धर्म की दुनिया च वैसे भिखारी बनाया जाता है, फलाने थां ते जाओ आ मिलेगा, फलाने इन्ने दिन चल जाओ आ मिलेगा, आओ मिलेगा। पूरा गुरु भिखारी नहीं बनाउंदा। पूरा गुरु ये गल कहिंदे, बंदिया तू राजा है, तैनूं परमात्मा ने जो कुछ दिता है अपने अंदर झात मार, तेरे अंदर मत विच रतन जवाहर माणक, तेरे अंदर रतन ने जवाहर ने माणक ने, तू उन्हां च उन्हां नूं देख तू। पर आम धर्म की दुनिया च तां केवल दुनियावी गल्लां तक सीमित रखिया जांदा है, और बंदा भी दुनियावी गल्लां तक ही सीमित रहना चाहुंदा है, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहुंदा है। यही कारण है कि भीड़ां उत्थे लगदियां ने जिथे कह रहे हो जी तुहाडियां कामना पूरियां होणगियां, भीड़ां लग जाणगियां उत्थे। गुरबाणी कहिंदी तुहाडे अंदर कामना पैदा ही कोई नहीं होएगी, एक दिन दे कामना पूरियां होणगियां। पर गुरबाणी ने तां भुखां सब गुण, गुरबाणी ते भुखा ही मेट दिंदी है। सतगुरु जी कहिंदे जिन्ना चिर पूरा गुरु नहीं मिलदा उन्ना चिर सानू रस नहीं आएगा, जिन्ना नूं पूरा गुरु मिल गया आनंद नाम ते आए। ओ दिन रात वाहिगुरु जी का नाम जपते रहिंदे ने, सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए। जदों पूरा गुरु मिल गया, जदों पूरे गुरु दे राही कोई परमात्मा दे गुण गाउण लग पिया, जदों पूरे गुरु दे राही वाहिगुरु जी नाम नूं हिरदे च वसा लिया, जदों पूरे गुरु दे उपदेश राही वाहिगुरु जी दे नाम दा रस आउण लग पिया, जदों पूरे गुरु दे राही रात वाहिगुरु जी विच लिव लग गई, फिर सहजे सहज मिलिया सुख जग जीवन। वो जगत दा जो जीवन है, जगत नूं जो जीवन देण वाला परमात्मा है, वो आत्मक अडोलता दे राही मिल जांदा है। नानक सुन समाए, सुन दर्द हुंदा है अफुर अवस्था, जिथे कोई फुरना, जिथे कोई संकल्प, जिथे कोई कामना पैदा ही नहीं हुंदी। बंदा उत्थे पहुंच जांदा है जिथे जाके दुनिया दा कोई संकल्प वर्कर पैदा नहीं हुंदा, उस अस्थान ते परमात्मा च लिवलीन हो जांदा है, तृप्त हो जांदा है बंदा। साहिब जी कहिंदे सुन विच समा जांदा है, सुन दर्द अफुर अवस्था, जिथे कोई फुरना पैदा नहीं हुंदा। पर उदों जो गुरु दे राही परमात्मा दे गुण गाउंदा है। अज गुरु हरि साहिब जी महाराज दा पावन प्रकाश दिहाड़ा, सिख जगत वालों समुचे जगत विच बड़े प्यार बड़ी श्रद्धा दे नाल मनाना जा रहा है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वड्डे पुत्र बाबा गुरदत्ता जी, बाबा गुरदत्ता जी दे घर गुरु हरि साहिब जी महाराज प्रगट होए। माता निहाल कौर जी, कईयां ने माता अनंती के है, इतिहासकारां ने निहाल कौर भी नाम लिखिया है इन्हां दा। गुरु हरि साहिब जी महाराज के दो सुपुत्र सन, एक सन बाबा धीरमल जी और एक सन गुरु हरि साहिब जी महाराज, जिन्हां नूं गुरु बन दी वडियाई प्राप्त हुई। इतिहास कहिंदा है कि बाबा धीरमल जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय तो ही हुकूमत दे नाल रल गए। जिस वेले करतारपुर की जंग हो रही थी, बाबा धीरमल जी उदों ही हुकूमत दे नाल उन्होंने गलबात कर ली। हुकूमत ने उन्होंने मिठिया मिठाइया धन दौलत देना शुरू कर दिता। धीरमल जी सतगुरु जी के घर तो वक्रे हो गए। जिस वेले सतगुरु गुरु बाबा गुरदित्ता जी जिस वेले चढ़ाई की, धीरमल जी ने उदों भी बुलाया गया पर नाराज ही रहे। आखिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, हरि साहिब जी का उन्होंने बड़ा प्यार सी, सतगुरु जी के नेड़े हर वेले रहिंदे सन, बड़े रब्बी सुभाव वाले। 1644 ईस्वी नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला आप जी ने गुरता गद्दी की वडियाई बख्श दिती। गुरु हरि साहिब जी महाराज का पावन प्रकाश जनवरी के महीने 1630 ईस्वी को कीरतपुर साहिब जी विच होया सी। एक कीरतपुर साहिब नगर बाबा गुरदत्ता जी का वसाया होया। इस इलाके के राजे कोलों कुछ जगह लैके सतगुरु जी के हुक्म अनुसार यह नगर वसाया गया सी। इतिहास कहिंदा है गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज तो बाद गुरता गद्दी ते बैठ के गुरु हरि साहिब जी ने 1661 तक तकरीबन 31 साल गुरता गद्दी ते सेवा निभाई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी वाली सारी फौज आप जी दे कोल सी।
सतगुरु जी आप भी शस्त्रधारी सन, आप भी शिकार खेडते सन, पर गुरु साहब जी ने जिंदगी भर जंग कोई नहीं की। जंग का यह कारण ही कि आप डरते सन, गुरमत का मनोरथ जंगा करना नहीं सी, यह जंगा एक मजबूरी सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गल कही कि फौज रखनी है, ताकत रखनी है, पर जंग कोई नहीं करनी। लोगों को पता लग जाए कि यह ताकत लड़ाइया लिए नहीं है, ताकत मनुखता की सेवा दे रही है। ताकत होनी चाहिए है बंदे दे कोल, पर ताकत नूं वरतना किवें है, यह गल गुरु हरि साहब जी के जीवन विच्चों मिलती है। इतिहास कहता है कि एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी बाग च सैर कर रहे सन। कीरतपुर साहब के सतगुरु जी ने बड़े बाग लवाए सन। गुरु हरि साहब जी ने बाद में बहुत वड्डे पद्धर ते इत्थे हरियावल कर दिती, भावें यह जंगली इलाका ही सी, पर फिर भी बड़े बड़े सोहने बाग लवाए सन। सतगुरु जी नूं बागां दा शहर कहा जांदा सी कदी। और गुरु हरि साहब जी एनवायरमेंट नाल प्यार बड़ा करदे सन। यही कारण कि सिख पंथ ने दिहाड़ा जिहड़ा है इन्हों एनवायरमेंट डे दे नाल मनाउण दी गल कही है कि आपां वी इन्हां दिनां च कोई बूटे लगाया करिए गुरु हरि साहब जी दी याद विच, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁਣੇ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੋੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਰਮਜ਼ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡੰਗ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਡੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਗ ਲਗਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਹ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ
शाही दवाखाने च दवाई नहीं, वह गुरु साहब जी के कोल है, वह किड्डा वड्डा प्रबंध होएगा उत्थे। गुरु साहब ने केवल कीरतपुर साहब जी नहीं आले दुआले पिंडां च मनुखता की बड़ी सेवा की। जो इतिहास पढ़ते हैं, एक बार अकबर के वेले जो गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरता गद्दी ते सन, उदों पंजाब की धरती ते काल पै गया सी, बीमारी पै गई सी। उन्होंने दिनों च गुरु अर्जन देव जी ने पिंडां च विचर के, माझे च विचर के, थां थां ते लंगर लगाए, थां थां ते लोगों नूं दवाइयां दा प्रबंध करके दिता, अपने हथी बड़ी सेवा की। चार साल सतगुरु साहब जी अपने हथी सेवा करते रहे सन। एक बार साधन दे वेले कश्मीर दे इलाके विच बड़ा तगड़ा एक गिल्टी ताप दा जोर पै गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी उचेचे तौर पर उस इलाके च गए सन, ते कई महीने रह के लोगों की सतगुरु जी ने सेवा की, दवाइया भी दित्तियां, सतगुरु जी ने प्रेरणा भी की चंगी बन दी। इस तरह गुरु हरि साहब जी वेले भी पंजाब की धरती ते एक बहुत वड्डा काल पै गया।